कटिहार के मानसाही प्रखंड के पोठिया मैरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हमारे मानसाही संवाददाता अनिल सिंह के अनुसार इस मारपीट में एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों घायलों के नाम मोहम्मद अजमल और मोहम्मद इनामुल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि जमीन का मामला है, जो दाब के मकान उठा रहा था वही बोलने गया उसको, तो वो सरिया लेके मारा है। किसको? मेरा भाई सबको। कौन कई भाई को मारा है? दो भाई को। क्या नाम है? इनामुल हक भाई का। हाँ। और एक का सैदुर आलम। कितना उम्र होगा इनामुल का? इनामुल का 28। और उसपे जो और एक सैदुल का? उसका 20-21। अच्छा, तो क्या मैटर क्या हो गया था वहाँ पर? मैटर हुआ था, मकान उठा रहा था तो बगल में करके फिर इधर से बढ़ा के उठा रहा था, वही उसको बोलने गया तो मार दिया सरिया लेके। तो कौन कौन है मारने वाला? मारने वाला है मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अकमल, एम डी तारिक के बाद एम डी सागिर, एम डी समीर, एम डी मुकामिल। इतना ही चार पांच आदमी था, वो लोग चार पांच भाई मिल के मारा। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन नहीं किए हैं। थाना गए थे? थाना नहीं गए थे, डायरेक्ट हॉस्पिटल आए हैं। हाँ। कहाँ का मामला आई? मेरा पोठिया घाट। कौन थाना पड़ गया? मनसाही थाना। क्या नाम है तुम्हारा? तौफीक आलम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अजमल। वो दोनों घायल तुम्हारा भाई है ना? हाँ। अकमल हुसैन, उसके तारिक, इजधानी, सागिर, समीर, मुकम्मल और तारिक तो दिया है, और इसमें क्या है एक्टर है? राजीव। राजीव कौन है? हाँ, राजीव कौन है? उसी को दामाद है। दामाद है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजमल। कब मारपीट हुआ है? हाँ, आज। कै बजे? कै बजे हुआ था ना? डेढ़ बजे। आप नहीं थे क्या घर में? हम गाँव में थे। मेरे पड़ोसी अकमल हुसैन और उनके परिजन जबरदस्ती मेरी जमीन को दबाकर घर बना रहे थे। जब मेरे पुत्र ने विरोध किया तो उन लोगों ने मेरे पुत्र पर हमला कर दिया। इस मारपीट में दोनों बाप बेटे मोहम्मद अजमल और मोहम्मद इनामुल घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद दोनों को संघन इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहेता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ